हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह और आप देख रहे हो गीपा गोपी मैकेनिकल चैनल। आज हम मोटर निकालने की कोशिश करेंगे जो बिना पंखे के नीचे गिरी हुई है। ये मोटर पंप और मोटर के बीच जो स्टड लगे होते हैं वो टूट चुके हैं और मोटर नीचे गिर चुकी है। आज हम मोटर निकालने की कोशिश करेंगे और हम लॉक की सहायता से मोटर निकालने की कोशिश करेंगे और पता नहीं है मोटर आएगी कि नहीं आएगी, इसका तो अभी पता नहीं जब तक बाहर नहीं निकलाती। और आज निकालने की कोशिश करेंगे, सिर्फ हमने लॉक को नीचे भेजा हुआ है और लॉक का तो पता नहीं लगेगा कि या नहीं लगेगा। ये नहीं लग रहा क्योंकि नीचे मोटर साइड में लगी हुई है और ऊपर से लॉक पकड़ नहीं पा रहा। हम एक दो बार कोशिश करेंगे, नहीं तो दूसरे वाले से कोशिश करेंगे, शायद वो पकड़ लें क्योंकि ये तो लग नहीं रहा। और हमारे लिए चाय आई है, हम पहले चाय पियेंगे और फिर दूसरे लॉक के साथ कोशिश करेंगे। अब हमने लॉक को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि दूसरे वाले से ट्राई करेंगे, शायद वो लग जाए और मोटर को पकड़ ले तो हम मोटर को बाहर खींच लें, क्योंकि ये आसान काम नहीं है क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाता है, कई बार तो दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं, कई बार एक एक दिन, कई बार पाँच छः घंटे में भी काम बन जाता है। क्योंकि ये लॉक तो नहीं लगा, अब दूसरे को लगा के नीचे डालेंगे। क्योंकि अकेली मोटर जो गिरी होती है इसको लॉक पकड़ नहीं पाते क्योंकि इसमें लॉक लगने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि मोटर प्लेन होती है और उसको लॉक पकड़ नहीं पाता क्योंकि लॉक को जगह मिले तो पकड़े, लॉक से फिसल जाती है और बाहर निकल जाती है, इसलिए लॉक पकड़ नहीं पाता। ये हमारा लॉक है, शायद ये लग जाए क्योंकि हमने स्पेशल ही अकेली मोटर के लिए बनाया है, क्योंकि पहले हमने इसके साथ बहुत मोटरें निकालनी है। हमारा तो काम ही नीचे गिरी हुई मोटर को निकालने का है क्योंकि हम तो रोज़ ही यही काम करते हैं। ये आप चाहते हैं यह जी वीडियो हम आपके लिए बनाएं और डालें तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अब हम इसको नीचे भेज देंगे और हमने वीडियो को बंद कर दिया था और नीचे लॉक को लगा दिया है, क्योंकि लगाना कोई वीडियो में दिखाने वाली बात नहीं है, जैसे हम पहले लॉक को दिखा रहे हैं वैसे ही इसको लगाया है क्योंकि इसमें लगाने में टाइम लग गया और हम ये वीडियो बनाते तो बहुत लंबी हो जाती है। अब हम मोटर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं क्योंकि हाँ ये धीरे धीरे ही खींचना पड़ता है क्योंकि इसको झटका ना लगे और झटका लगने से हमारा जो लॉक है मोटर को छोड़ देगा और मोटर नीचे गिर जाएगी, इसलिए हम धीरे धीरे ही काम करेंगे क्योंकि मोटर को झटका नहीं लगने देगी।
झटके से मोटर नीचे गिर जाएगी। अब मोटर हमारी 10 फुट की ही नीचे रह चुकी है और मोटर को पकड़ने के लिए हमने रस्सा मंगवाया है और रस्सा भी आ गया है। रस्से की सहायता से ही मोटर को हम ऊपर जो निकल आएगी तो रस्से की सहायता से ही पकड़ेंगे, क्योंकि मोटर को तो क्लंप नहीं लगेगा। अब हम रस्से का बोरवेल को नागवाल बना लेंगे, क्योंकि मोटर आते ही मोटर को पकड़ लेंगे। क्योंकि बाहर निकलते समय कई बार ऐसा होता है लॉक मोटर को छोड़ देता है और मोटर नीचे गिर जाती है, इसलिए हम रस्से की सहायता से मोटर को ही आते ही पकड़ लेंगे। अब हम धीरे धीरे खींच रहे हैं क्योंकि मोटर ऊपर आ चुकी है। अब मोटर बाहर निकल आई है और हम झटके से उसको पकड़ लेंगे और रस्से की सहायता से उसको कस देंगे और नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से ऊपर आई है। अब हम हाथों से ही ऊपर को खींच लेंगे। जी आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर लिखना, आपके लिए हम और ही वीडियो डालेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि हम बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाते हैं। ये हमारा लॉग है, ये 15 HP की मोटर है। ये कोई हरियाणा वाली साइड से साइड की मोटर है।